तो गाइज हमने कल बात करी थी कि मैं आया था इंडिया से दुबई तक, जो भी मेरा सफर रहा मैंने आपको सारा कुछ बताया, और जो दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे साथ हुआ वो भी मैंने आपको बताया, क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए या कुछ भी, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि आप दुबई से लेकर सर्बिया तक आप सही तरीके से एयरपोर्ट को पार कैसे कर सकते हैं, या आपको जो इमिग्रेशन है वो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है भाई, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आप सर्बिया एयरपोर्ट पे भाई इमिग्रेशन भी पास करते हो ना, उसके बाद भी आपको खतरा होता है, वो क्या खतरा होता है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि दुबई, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि दुबई में सिर्फ 2 दिन के लिए रुका था, मतलब मेरी जो स्टे थी 2 दिन के लिए थी। उसके बाद हमें नहीं पता कि एजेंट के साथ क्या अगर सेटिंग होती है एयरपोर्ट पे या नहीं, बट वो बोलते हैं कि भाई सेटिंग है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई हम वहां से निकले और सही हर काम मेरा दुबई में सही हो गया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और वहां से मैं मतलब फ्लाइट में बैठा। उसके बाद हमारी 5 घंटे की स्टे थी वो इस्तांबुल, ठीक है ना, आपको पता ही होगा इस्तांबुल। तो हमने सारी रात वहां पर गुजारी ऐसे घूम फिर के, ठीक है ना। तो घूमते रहे रात को वहां एयरपोर्ट पे, वहां पर आपका सिर्फ ओनली जो आप बैग लेते हो सिर्फ उसी की चेकिंग होती है, उसके बावजूद आपको कुछ वहां नहीं करना होता, बस आपको वहां पॉइंट पे जाना होता है जहां पर आपकी फ्लाइट आएगी। तो उसके बाद भाई 5 घंटे हुए, उसके बाद हमारी जो फ्लाइट हुई वो हुई सर्बिया की। भाई मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि एक भाई था जिन्होंने मुझे डराया हुआ था, क्योंकि वो सर्बिया से डिपोर्ट मारे हुए थे। आप पता है आप एक बंदा डिपोर्ट मारा हुआ है तो भाई बहुत उसने मुझे डरा दिया था, बट ये था कि चलो कुछ नहीं देखी जाएगी जो होगा। तो वहां से निकले भाई और सर्बिया एयरपोर्ट पे उतरे, और जैसे ही उतरे भाई एंट्री मारते भाई वहां की पुलिस सामने खड़ी थी, और सामने खड़ी उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया, और हमने उनको पासपोर्ट दिया। देने के बाद उन्होंने मतलब जो हमारा फेस मैच किया और देन हमें आगे भेज दिया। तो जब हम आगे गए इमिग्रेशन की लाइन में लगे तो एजेंट बोलते हैं भाई सबसे आगे खड़े होना है, जब अगर आप जल्दी आपको मतलब कि सही सलामत निकलना है एयरपोर्ट से, क्योंकि जो सर्बिया एयरपोर्ट है भाई वहां से बहुत सारे भाइयों को ना डिपोर्ट मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि भाई एक तो आपको आज के टाइम में पता है कि जो भी डंकी लग रही है ना भाई वो सर्बिया से लग रही है, और पनामा जो जंगल है उधर से अभी फिलहाल बंद है, या बारिश की वजह से लगा लो या किसी चीज की वजह से लगा लो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये है कि हर बंदा अब यहीं से आ रहा है, सर्बिया से आ रहा है, और हर इधर से निकल के भाई यूरोप में एंट्री कर रहा है। तो आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ कि इमिग्रेशन लाइन में लगे, लगने के बाद भाई किस्मत होती है भाई, जो एक मैडम थी वो कॉल पे लगी हुई थी, और वहां से उस लाइन में ज्यादा लगे हुए थे मेरे सारे भाई जो हरियाणा से या पंजाब से हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई लाइन से अलग करवा दी, और धीरे धीरे जो भी काउंटर होते हैं इमिग्रेशन वालों के उनमें सभी को लाइन में बुला लिया। भाई मैं भी चला गया, तो भाई जहां पर मेरा मतलब कि इमिग्रेशन वालों के पास मैं गया वहां पर एक लेडीज थी और एक जेंट्स था। तो भाई उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन क्या पूछा भाई, उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या करने आए हो, मैंने बोला टूरिस्ट हैं और मतलब घूमने के लिए आए हैं, और देन उन्होंने पूछा कि आपके पास हाउ मच मनी, आपके पास कितने पैसे हैं। तो मैंने बोला भाई एजेंट की बातों में कभी झूठ मत बोलना वहां जाके। उन्होंने एजेंट ने मुझे बोला कि भाई तुम 3,000 यूरो बताना, तो बट मैंने उस टाइम पे सच्चाई बोल दी कि मेरे पास मतलब 1,400 यूरो थे मेरे पास, तो मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने बोला भाई शो मनी करो कि आप पैसे दिखाओ, तो मैंने दिखाए, उन्होंने बोला कि मेरे सामने तुम गिनो और मुझे दिखाओ। तो भाई उनके सामने मैंने गिने, तो भाई अगर मैं वहां पर सबसे बड़ा पॉइंट आता कि भाई अगर मैं वहां पर झूठ बोल देता क्लियर था वहां से, ठीक है, वहां से डिपोर्ट लगता ही लगता मैं। तो उसके बावजूद चलो मैंने सच्चाई बोली, और सच्चाई बोलने के बाद भाई मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने पोलैंड का वीजा अप्लाई किया था, उसके कारण मेरे एक पासपोर्ट पे एक स्टंप लगी हुई थी ब्लू कलर की, तो या आप उसको रिफ्यूज लगा लो या पोलैंड एमएससी ने मुझे वीजा नहीं दिया, ठीक है। तो उन्होंने उस स्टंप को देखा, देखने के बाद उन्होंने बोला ये क्या है, तो मैंने बोला कि आई विल यू ट्राई पोलैंड वीजा, कि मैंने पोलैंड वीजा ट्राई किया था। तो भाई ज्यादा लैंग्वेज मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, बट हाँ ये कि थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ मैं, तो मैंने समझी उनकी बात, और समझने के बाद भाई उन्होंने क्वेश्चन बहुत किए मेरे से, जबकि मेरे मुंह से हिंदी भी निकल रही थी और थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश भी बोल रहा था। तो जैसे कैसे हुआ वहां से भाई उन्होंने क्या क्या एक फॉर्म भरा, मैं डर गया भाई मैं डिपोर्ट हूँ यहाँ से, और हो गया काम मेरा। तो बट उन्होंने क्या किया मेरा फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि फॉलो मी, मुझे एक जाके एक कमरे में बिठा दिया। वहां पर ऑलरेडी 15-20 लड़के बैठे हुए थे भाई उसमें, वो टेंशन में थे भाई पूरी, वो कॉल करे अपने एजेंट को कि भाई यहाँ से ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है कि हमें हमें अलग बिठा लिया है। तो भाई मैं मुझे पता था जो होना है तो होना है, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री बैठा था वहां, और बस भगवान को याद कर रहा था कि जो भी हो वो सही हो। तो जैसे तैसे वहां से टाइम लगा, कम से कम
35 मिनट में बैठा रहा भाई वहाँ। और बैठने के बाद सबकी चेकिंग की गई, मतलब कि कपड़े भी उतारे थे, और देन वहाँ से चेकिंग की, जो भी आप बैग ले रहे थे उसकी चेकिंग की गई। तो भाई वहाँ से निकला भगवान, वहाँ से मुझे उन्होंने बोला कि राहुल कुमार, मैं गया। जाने के बाद उन्होंने स्टंप लगाई और मुझे बोल दिया कि वेलकम टू सर्बिया। तो भाई मैं खुश था बड़ा कि भाई यहाँ से निकल गया। तो जैसे ही मेरा सारा कुछ कंप्लीट हुआ, मैं सर्बिया एयरपोर्ट से बाहर निकला। निकलने के बाद और मैं बड़ा खुश था कि भाई सब कुछ सही हो गया और मैं यहाँ से निकल गया। तो जैसे ही निकला, निकलने के बाद क्या हुआ कि भाई जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया में जो लूटने वाले होते हैं, तो इसी तरीके से सर्बिया एयरपोर्ट के बाहर भी आपको लूटने के लिए बैठे होते हैं। आप जैसे लगा लो किडनैप करते हैं, उसी टाइप से वो सर्बिया एयरपोर्ट पे बाहर बैठे होते हैं। तो भाई जैसे मैं निकल रहा था, उन्होंने बोला कि भाई यू इंडियन? मैंने बोला यस। उसने बोला कि पासपोर्ट? तो मैंने भाई, मैं डर गया भाई कि अब ये क्या हो गया भाई, ये कोई वेरिफिकेशन करने वाला होगा तो कुछ, क्योंकि एजेंट ने कुछ ऐसा नहीं बताया था हमें कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है सर्बिया एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही मैंने दिया भाई उसको, मतलब कि पासपोर्ट दिया, उसने बोला टिकट, तो भाई उसको टिकट सब कुछ दे दिया मैंने, जो भी मेरे पास, मतलब कि जो भी मेरा टिकट था, जो भी था, मैंने सब कुछ उसको दे दिया। देने के बाद उसने बोला, उसने मैच किया जो मेरा फेस था पासपोर्ट के साथ, मतलब वो टेम्परेरी दिखाना चाहता था कि कोई वेरिफिकेशन वाला हूँ मैं। तो उसने क्या किया भाई, सब कुछ ले लिया। लेने के बाद बोला कि फॉलो मी, मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। जो मेरे फ्रेंड थे ऑलरेडी, जो 5-6 मेरे फ्रेंड थे, वो बाहर ही एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे मेरी वेट में कि मैं जाऊँगा तो मुझे भी रूम पे ले जाएंगे। तो भाई जैसे उन्होंने मैं देखा कि मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, उन्होंने बोला कि भाई इधर आ जा। मैंने बोला कि भाई ये ले जा रहा है, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कि इनको बोल के मेरे फ्रेंड है ये। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे माई फ्रेंड इंडियन 3 फ्रेंड। तो उसने बोला कि नेम बताओ। तो मैंने नेम तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे भी रास्ते में ही मिले थे वो, तो जो डोंकी लगा रहे थे तो रास्ते में ही मिले थे। नाम इतना ध्यान नहीं दिया भाई, क्योंकि बस एक ही चीज़ होती है डोंके में भाई, पहुंचना है पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो ये रहा। तो उसके बाद उन्होंने, मैंने बोला कि नाम ऐसे ही मैंने बता दिया, कहाँ को उसको पता था कुछ जो लुटेरा था। तो मैंने नाम बताया, नाम बताने के बाद भाई वहाँ से उसने मुझे छोड़ दिया भाई। और एक मेरे फ्रेंड था उसको वो, मतलब गाड़ी में बैठा के ले गया था। ले जाने के बाद कुछ दूरी पर उसकी, मतलब गर्दन पर भाई उसने चक्कू रखा, और रखने छुरा जिसको बोलते हैं, छुरा रखा। और रखने के बाद भाई उसने क्या किया, मेरे दोस्त ने, उसने क्या किया, जितने भी उसके पास यूरो थे, 1,000 यूरो था उसके पास, उसने उसको दे दिया भाई। और उसने वो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसको वहीं पर छोड़ के चला गया। तो भाई उसने किसी की हेल्प ली, ओ स्पॉट, मतलब कि नेट नेट उसने अपने फ़ोन में ओ स्पॉट लिया, किसी की हेल्प ली वहाँ की जो सर्बिया के लोग थे। तो उनके हेल्प लेने के बाद भाई उसने क्या किया, सीधा कॉल किया, लोकेशन भेजी कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे ले जाओ। तो भाई मतलब मेन इन्फॉर्मेशन यही थी कि भाई सर्बिया एयरपोर्ट पर आप जो भी बताओ भाई, इमिग्रेशन वालों को जो भी बताओ, उसको सिर्फ एक, मतलब चेहरे पे आपके मुस्कान होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात होती है। और भाई अगर आप उनसे बोलोगे ना कि हमें ट्रांसलेट चाहिए, तो भाई वो ट्रांसलेट भी नहीं देते। और ट्रांसलेट तो छोड़ो, अगर आप अपने मोबाइल में बोलोगे ना कि भाई मैं अपने मोबाइल में ट्रांसलेट ऑन करके उत्तर दे दूँ, तो वो भी अलाउड नहीं करते भाई। क्योंकि मेरे सामने एक भाई ने बोला कि मैं ट्रांसलेट ऑन कर सकता हूँ, तो उसने मना कर दिया भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं भाई, हर बार पूछा है। वो तो आपकी किस्मत होती है अगर आप एकदम से निकल जाते हो और आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लगभग सर्बिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट मारे जाते हैं मेरे भाई जो हरियाणा से है, पंजाब से हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो जो भाई मेरे डोंकी में आ रहे हैं या कोई भी आना चाहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फ्रेश माइंड, ठीक है ना? और मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके चेहरे पे जब आप इमिग्रेशन वालों के सामने हो। और जैसे आप जाते हो इमिग्रेशन वाली, मतलब कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बोलना है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, जो भी आपको मिले। क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है और सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देन एयरपोर्ट से जो मैंने आपको बताया कि आपको बाहर थोड़ा खतरा है, उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसके बाद तो आपका जो भी आपको फ्रेंड है या आपको कोई एजेंट का जो पर्सन है, वो आपको लेने आएगा ही आएगा बाहर एयरपोर्ट के, या फिर वो आपकी टैक्सी करवाएगा। जो भी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। अगली वीडियो आएगी भाई, मेन जो आती है सर्बिया से डोंकी भाई, पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, पूरी वीडियो मैं डालूंगा और भाई आपको दिखाऊंगा भी कि भाई आपको जो भी करना है भाई बिल्कुल ध्यान से करना है, और किस तरीके से आपको डोंकी मारनी चाहिए, हंगरी साइड से या रोमेनिया साइड से, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बट अगली वीडियो में, वीडियो ये लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।